नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। नगरपालिका के नकारीपन से नर्क जैसा जीवन जीने को है मजबूर मोहल्लेवासी। बजबजाती नालियां दे रही नकारीपन की चीख चीख की गवाही। मोहल्लेवासी ने कैमरे पे सुनाई अपनी दास्तां। सड़क पे भरे पानी में आता करंट दे रहा है मौतों को दावत। आए दिन वाहन पलटने से होते हैं लोग घायल। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला श्याम नगर का है। मेरा नाम गोपाल है। क्या मामला है? गली मामला ये गली बिल्कुल काफी दिनों से कचरा पड़ा हुआ है। यहाँ लोग निकलने में परेशानी होती है। यहाँ पे करंट आता है, बच्चे एक बार चपक चुके हैं यहाँ पे, और गाड़ी यहाँ भी पलट जाती है यहाँ पे उतरने में। और कंप्लेंट लिए तो कोई सुनता भी नहीं है हम लोगों की। कहाँ कहाँ कंप्लेंट दी आपने? ये मनोज अग्रवाल को कंप्लेंट दी, सावरती को भी थी, लेकिन उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं की। कितने परिवार रहते हैं यहाँ? यहाँ तक लगभग 32 मकान हुए हैं, 32 लोग रहते हैं। लेकिन गली पूरी ऐसी है? हाँ, यहाँ से लेके काफी वहाँ तक पूरी एकदम ऐसी है। सुरेश चंद, कहाँ रहते हो आप? आगे गली श्याम नगर। क्या मामला है आपका? हमारा मामला है कि जो है हमारी गली नहीं बन रही, हम नर्क में हैं। क्या दिक्कतें हो रही गली? सब दिक्कतें हो रही निकल गया की हर बात की। मच्छर भी दौड़ रहे, सब कुछ हुई रो। एप्लीकेशन दी हमने मनोज अग्रवाल को, और किसे दी? और सांसद जी को भी दी। सांसद जी भी नहीं सुन, सांसद जी ने तो बिल्कुल नहीं देखा इधर। कितना टाइम हो गया इसे आपको एप्लीकेशन दिए हो? 1/6 को दी हमने मनोज अग्रवाल को, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ना कोई कार्रवाई नहीं। हम तो जा कह दें कि यही नापन है, ना यही आए, ना कोई आओ। सर, वार्ड नंबर 5 के लोगों ने कंप्लेंट किया आपसे, पानी भरा हुआ है काफ़ी दिनों से, कूड़ा नहीं उठ रहा है और पानी में करंट भी आ रहा है। सर, क्या वहाँ पर कार्रवाई की जा रही है? ये श्याम नगर मोहल्ला जो है भोपतपट्टी, श्याम नगर भोपतपट्टी में है, और यहाँ पीछे जो है तलैया की तरफ नाली का निकास था। अब वो जो तलैया है वो प्राइवेट लैंड थी, उसको लोगों ने पाट करके जो है वो कर लिया है प्लाटिंग। तो जो नाली का ढाल था वो उल्टा हो गया है। वहाँ मकाने और प्लाटिंग होने के कारण उसका जल निकासी अवरुद्ध हो गई है। अब जो है उसको निकासी कराने के लिए उसको बाहर मेन रोड की तरफ पानी लाना पड़ेगा। तो उसके लिए जब तक एस्टिमेट बन के स्वीकृत होकर के अस्थाई समाधान ना हो, तब तक उसका वैकल्पिक विकल्प केवल यही है कि हम पंपिंग सेट से पानी निकलवा लें या सिल्वर टैंकर से निकलवा लें। अभी आपने संज्ञान में लाया, इसको मैं आने का। लगभग कितना टाइम लगेगा सर सफाई होने में? जो कूड़ा है वो तो आज ही उठवा दूँगा, और जो पानी निकालना आज मैं पंपिंग सेट लगवाता हूँ, और आज से लेकर कल तक समाधान इसका। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें डीडी टुडे।